हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब से अमरा क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता, मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता हमारा चैप्टर चला है बैठक व्यवस्थीकरण, दोस्तों ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। इसकी दो क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं दोस्तों ठीक है। अगर दोस्तों पहली बेसिक क्लास देखना बहुत जरूरी है आपको, अगर वो क्लास नहीं देखोगे तो आपको दाएं बाएं में कन्फ्यूजन होगा दोस्तों ठीक है। अगर आप पहले कभी नहीं पढ़े हो, अगर पहली बार आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आपको दाएं बाएं का कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि तो मैंने बिल्कुल पहले ही बिल्कुल बेसिक क्लास ली थी, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया था दोस्तों ठीक है। तो इसलिए आपको वो क्लास देखनी बहुत जरूरी है। अगर आपने वो क्लास देख ली तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप डायरेक्टली क्वेश्चन लगा सकते हैं बहुत ईजिली दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप देख सकते हो बहुत कम स्पेस है और मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगा आपको ठीक है। बस आपको अच्छे से समझना है। आप देख सकते हो स्पेस इतना नहीं होता स्क्रीन पे ठीक है, ऐसे ही बनानी पड़ती है वीडियो, एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों ठीक है। तो आप भी एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इस पर आता नहीं है। आप देख सकते हो इतना ही क्वेश्चन इस पर आना मुश्किल हो रहा है दोस्तों ठीक है। और आप पजल को बोलते हैं तो पजल के क्वेश्चन तो इस पर नहीं आ पाएंगे और उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा समझाने की, और फिर भी आपके हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए दोस्तों ठीक है। अच्छे समझने की कोशिश करना और जो मैं आपको लैंग्वेज बोलूँ बस उस पर अच्छे से ध्यान देना दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, अब भी थोड़ी ठीक नहीं है, और इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया था। तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, आपके सारे कंप्लीट करा दूंगा मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला कोई भी चैप्टर दोस्तों। आप देख सकते हो बहुत कम चैप्टर अपने रह गए हैं, उनको भी हम जल्दी से ही कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, और मैं कहता हूँ पहली क्लास जो मैंने कराई थी नॉर्मली क्वेश्चन वहीं से पूछ लेता है ठीक है। SSC ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं उठाता, जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको एक वीडियो और आएगी इस टाइप के क्वेश्चन की ठीक है। व्रत में बैठे जब पंचभुज में बैठते हैं कुछ भी दे सकता है दोस्तों ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की एक वीडियो और आएगी, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ओपन फॉर्म पढ़ेंगे ठीक है। अभी हम क्लोज फॉर्म पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद ओपन फॉर्म पढ़ेंगे दोस्तों ठीक है। तो इसके बाद एक वीडियो और दूंगा मैं आपको कल, एक नहीं या दो भी दे सकता हूँ, कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में कल को 8 से 10 क्वेश्चन कराने की, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए दोस्तों ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी क्या करता है, कभी तो वो इस टाइप का क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन पूछ लेता है ओनली ठीक है। कभी कभी इस टाइप की कोई लैंग्वेज दे देता है, और दोस्तों आपसे 4 से 5 क्वेश्चन इस लैंग्वेज पर हमसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों ठीक है। तो मैं आज आपको 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप काफ़ी क्वेश्चन बना पाओगे दोस्तों। आप देख सकते हो इसका चित्र हमको अच्छे से बनाना है, और उसके बाद हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं दोस्तों ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमको, ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों, इस लैंग्वेज पर ही हमको 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हम पहले इसका चित्र बना लेते हैं दोस्तों। आप अपनी कॉपी पर अच्छे से चित्र बना लेना, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मुझको मिटाना पड़ेगा दोस्तों ठीक है। आप अच्छे से चित्र बना लेंगे फिर मत कहना दोस्तों अब मैंने मिटा दिया। आप अच्छे से कॉपी पेंसिल आपके पास होगी ही, उस पर बना लेना, फिर दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों। अभी हम पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है ठीक है। कितने लोग हैं ये आप बता सकते हो, P, T, B, R, M, D, K और W केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं दोस्तों ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं दोस्तों। मैं आपको एक छोटे सा यहाँ पे दोस्तों इतनी सी समझने की कोशिश करेंगे, मुझे पता आप बहुत समझदार हो, बस आपको इशारा ही काफ़ी है, आप समझ जाते हो दोस्तों ठीक है। आपने ये क्या बना ली, एक गोल मेज बना ली दोस्तों। कितने लोग हैं आप गिन सकते हो, 8 लोग हैं दोस्तों। तो मैंने क्या बताया था आपको चित्र किस तरीके से बनना है, 8 लोग हैं तो दोस्तों ठीक है, 8 लोग चित्र इस तरीके से बनाना था, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था दोस्तों पहली बेसिक क्लास में भी, और दोस्तों कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी बताया था दोस्तों। अब आगे पढ़ेंगे, BT के बाएं को तीसरा है दोस्तों। पहले वो लैंग्वेज लिख लेते हैं चित्र में, जिस चित्र जब बनाते हैं हम पहले जो हमको क्लियर होता है ना, बिल्कुल ही क्लियर होता है दोस्तों, उसको ही पहले लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको क्लियर नहीं हो पा रहा और आप लिख दो दोस्तों ठीक है। तो पहले आप क्लियर, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे के तो उसमें बताऊंगा, जिस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी लूंगा मैं जिसमें आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे इसने बोला था बी
टी के बाएं को तीसरा, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज, इसको लिख सकते हो बी टी के बाएं को, टी के बाएं को, टी के बाएं को। दोस्तों बाएं और दाएं मैंने क्लियर कर दिए, बार बार आपको नहीं बताऊंगा, बाएं दाएं क्लियर कर दिए। और इन सभी का मुँह किधर है, केंद्र की तरफ है। आपने लैंग्वेज पढ़ ही ली होगी दोस्तों, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज आप पढ़ चुके हो दोस्तों, ठीक है। बी टी के बाएं को दूसरा है, बी दोस्तों टी के बाएं को दूसरा है। दोस्तों कहाँ बैठा दूँ मैं बी को, आप कहोगे सर बी को यहाँ बैठा दो, दोस्तों यहीं बैठा हूँ ना, टी के बाएं को दूसरा ना, तो आप समझ सकते हो आप किसी मेज पर खाना खाने के लिए बैठते हो दोस्तों, वहीं से भी आप अपना प्रैक्टिकली समझ सकते हो। आपका मुंह केंद्र की तरफ होता है, जब आप अपने, आपने देखा होगा कोई गोल मेज होती है खाना खाने के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा दायां बायां आपका कैसा होता है, कोई ऐसा तो है नहीं एक का मुंह बाहर की तरफ हो खाना खाते हो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब आप खाना खाते हो तो आप देख सकते हो मेरा दायां हाथ किधर की तरफ जाएगा और मेरा बायां हाथ किधर की तरफ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बाएं की बात चली थी मतलब, तो बी टी के बाएं को दूसरा है, मैंने बना दिया बिल्कुल ठीक दोस्तों, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा सर और भी तो चित्र बन सकता था, दोस्तों और भी चित्र बन सकता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपके कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके कोई भी डाउट बने। आप कैसा भी चित्र कहीं भी बैठा सकते हो इनको, मैं ये नहीं कहता आपको चित्र यहीं बनाना दोस्तों, ठीक है। आप कहोगे तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ बी टी के बाएं को दूसरा है, तो मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ से आप टी यहाँ मान सकते हो, बी टी के बाएं को दूसरा तो बी यहाँ आ जाएगा। आप कहोगे सर अभी तो राइट है ना ये चित्र, मैं कहूँगा अब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा जो हमारी लैंग्वेज क्वेश्चन में बोली जाए बस वो कभी गलत नहीं होनी चाहिए, तो आपका चित्र कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। बस आपको लगना चाहिए जो लैंग्वेज में बोला गया था वो बिल्कुल मैंने ठीक बैठा है दोस्तों, इतना तो कर सकते हो। दो चित्र बनाकर भी मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब तो आगे लैंग्वेज पढ़ी, टी एम के दाएं को चौथा है, टी एम के दाएं को चौथा है, टी जो है दोस्तों एम के दाएं को चौथा है। दोस्तों एम बताओ मैं कहाँ बैठा दूँ, आम एम कहाँ बैठा दूँ, हम मुझको ये बता दो, बस मुझको एम बता दो कहाँ बैठा दूँ। टी एम के दाएं को चौथा है, टी दोस्तों क्या है, एम के दाएं को चौथा है दोस्तों, एम यहाँ बैठा दूँ मैं, एम के दाएं को चौथा। दोस्तों आप नॉर्मली सोचो, आप बिल्कुल नॉर्मली सोचो, बिल्कुल दिमाग से थोड़े से माइंड से सोच के देखो दोस्तों, ये ऊपर की तरफ यहाँ बैठा है दोस्तों, तो इसका बायां किधर होगा, बायां किधर होगा दोस्तों, इसके बायां किधर होगा दोस्तों, एम का बायां इधर होगा और दोस्तों दायां किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचोगे ना, आप प्रैक्टिकली सोचोगे दोस्तों आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है, आसानी से बता सकते हो। टी एम के दाएं को चौथा है, तो एम के दाएं को टी चौथा है दोस्तों, आप देख सकते हो इधर को टी, ठीक है, टी एम के दाएं को चौथा है, क्योंकि पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, चौथा है दोस्तों, ये टी है, ये एम के दाएं को, एम के दाएं को दोस्तों चौथा है, टी एम के दाएं को चौथा है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। अब इस चित्र में हम देखेंगे, तो मैं बताओ यहाँ पर कहाँ बैठा दूँ एम को, एम आप कहोगे सर इसमें एम यहाँ को बैठा दूँ, टी एम के दाएं को, एम के दाएं को चौथा, आप पहचान लोगे ना, टी एम के दाएं को चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा दोस्तों टी ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चित्र अब तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ेंगे, डी बे पी, डी बे पी टी के अगल बगल नहीं बैठे, ध्यान से समझेंगे इस लैंग्वेज को, बहुत आसान लैंग्वेज है, ठीक है, डी वे पी टी के अगल बगल नहीं बैठे, आप समझ जाओगे दोस्तों बिल्कुल नॉर्मली बात, इतनी तो दिमाग में भी रख सकते हो, ठीक है, दिमाग में नहीं रखते तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, ठीक है, टी के अगल बगल नहीं बैठे कौन दोस्तों, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ यहाँ दोस्तों और यहाँ, कौन नहीं बैठ सकते, डी और पी, ठीक है, डी और पी, समझ रहे हो ना, डी वे पी टी के अगल बगल नहीं बैठने हैं दोस्तों, क्लियर है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा हिंट्स के लिए, डी कोमा पी टी के अगल बगल नहीं बैठे, इतना माइनस गुणा का निशान लगा दिया मैंने, टी के अगल बगल नहीं बैठे डी और पी, समझ जाओगे ना आप तो दोस्तों, समझ जाओगे ना, इतना तो समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी नहीं आ सकता डी, यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है, और पी,
इतनी बात क्लियर है या नहीं मुझको ये बता दो, स्पेस थोड़ा सा कम है दोस्तों, सॉरी उसके लिए, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की और आपके समझ में आ भी रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आपको पता चल गया टी डी कोमा पी टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं, इतना डाउट क्लियर है हर किसी को या नहीं मुझको ये बता दो बस दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये डी कोमा पी टी के पड़ोसी हैं, मतलब ठीक है पड़ोसी नहीं है, इसने ये बोला है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो आगे क्या लेंगे लैंग्वेज। यहाँ तक क्लियर हो गई ना, डी व पी टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं मतलब इसके पड़ोसी नहीं हैं, डी व पी टी के पड़ोसी नहीं हैं, ये लैंग्वेज भी बोल सकता था, ये बात एक ही है दोस्तों, ठीक है पड़ोसी भी आप समझ सकते हो दोस्तों। आगे लैंग्वेज भी है, डी पी के दाएं को तीसरा है, डी पी के दाएं को तीसरा है, डी पी के दाएं को तीसरा है। अब मुझको ये बता दो डी जो है पी के दाएं को तीसरा है, अब दोस्तों मैं पी कहाँ बैठा दूँ? आप कहोगे सर पी यहाँ तो आना नहीं था और सर पी यहाँ भी नहीं आना था, तो सर पी को हम यहाँ बैठा देंगे। मैंने कहा हाँ यहाँ बैठा दो, पी के दाएं को तीसरा है दोस्तों, पहला दूसरा और तीसरा दोस्तों, डी कहाँ आ जाएगा? डी यहाँ आ जाएगा या नहीं मुझको ये बता दो, डी यहाँ आ जाएगा या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसमें भी देख लेंगे हम, इसमें देखेंगे दूसरे वाले चित्र में दोस्तों जब देखेंगे तो डी कहाँ आ जाएगा मुझे बताओ, डी कहाँ आ जाएगा? डी पी के दाएं को तीसरा है, मतलब दोस्तों पी में कहाँ बैठा दूँ आप ये बताओ, आपको सर पी यहाँ बैठा दो, पी यहाँ बैठा दो, तो पी के दाएं को तीसरा है, पहला दूसरा और तीसरा दोस्तों, डी यहाँ आ जाएगा दोस्तों। आप सभी में बैठा कर देख सकते हो, जहाँ सेटिस्फाइड कर जाए बस वहीं पर है दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो कुछ दिन का वेट करिए प्लीज़, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कुछ अलग करने की, क्योंकि मेरे पास इतना पैसे नहीं हो पा रहे जो मैं अपना सेटअप कर सकूं दोस्तों, बस अभी ऐसे ही चल रहा है, तो कुछ दिन में हम करेंगे ज़रूर, कोशिश तो कर रहे हैं दोस्तों, हो नहीं पा रहा अभी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझने की कोशिश करिए, इतने क्वेश्चन तो मैं आपको करा दूंगा जो आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बैंक लेवल के हो या थोड़े से टफ लेवल के हो दोस्तों, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वरना आप यहाँ तक कर लोगे तब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन बनाकर आ सकती हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। W P के बगल में नहीं बैठा, W जो है दोस्तों P के बगल में नहीं बैठा, W P के बगल में नहीं बैठा, तो दोस्तों आप इससे लगा सकते हो W यहाँ भी नहीं आएगा और W यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि P के बगल में नहीं बैठा, तो दोस्तों W कहाँ आएगा? एक ही स्पेस बचता है, कहाँ आएगा W? आपको सर W आएगा यहाँ पर, W आएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, W आ गया यहाँ पर दोस्तों, इसमें कहाँ आएगा? P के अगल बगल नहीं बैठा दोस्तों, W कहाँ जाएगा? आप कहोगे सर W आएगा यहाँ पर इसमें दोस्तों। दोनों चित्र को हम साथ लेकर चल रहे हैं या नहीं मुझको ये बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। आगे देखेंगे फिर क्या बोला इसने, P K की बाईं बगल में बैठा है, P जो है दोस्तों K की बाईं बगल में बैठा है दोस्तों, तो K मेरा यहाँ बैठ जाएगा, K यहाँ होगा, K की बाईं बगल में है ना P दोस्तों, आप देख सकते हो जब केंद्र की तरफ मुँह है दोस्तों, ठीक है। और दूसरे चित्र में मुझे बताओ, दूसरे चित्र में मुझे बताओ के कहाँ जाएगा? के यहाँ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, के यहाँ आ जाएगा, पी के की बाएं बगल में बैठा है। अब दोस्तों आगे कुछ लैंग्वेज, बाएं बगल में बैठा दोस्तों, ये चित्र हमारा कंप्लीट हो गया, जो कोई स्पेस रह गया दोस्तों, एक स्पेस और रह गया हमारा, ठीक है, एक स्पेस रह गया दोस्तों, तो यहाँ कौन बैठेगा? जो बच गया है दोस्तों, ठीक है, कौन बच गया? आर बच गया अभी हमारे बैठने को, तो ये बच गया तो इसको हम यहाँ बैठा देंगे दोस्तों, आर बच गया ना, आर बचा है दोस्तों, आर को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये चित्र हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, आप दोनों में से कोई सा चित्र भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही चित्र हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं दोस्तों। क्यों करेक्ट हैं? क्योंकि उसने जो भी लैंग्वेज बोली दोस्तों, हमने उसके अकॉर्डिंग चले हैं, और कहीं भी हमारा जो भी हमने बैठा है वो कहीं भी फेल नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। जो भी उसने बोला बिल्कुल वैसे ही हमने बैठाए, हमने कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं किया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों दोनों में से कोई भी चित्र आप बना सकते हो, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, आपके पास टाइम है
जल्दी से इसको बनाना चाहो बना सकते हो। फिर हम क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से सोल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है, कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर आपको बनाना है तो दोस्तों बना सकते हो इन चित्रों को, ठीक है। दोस्तों अपने घर पे जरूर प्रैक्टिस करके देखना प्लीज़ यार, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बस। आप कुछ मत करना, चाहें जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बस इनकी अपने आप से प्रैक्टिस करना, और जहाँ मैं बैठा रहा हूँ इनसे अलग भी आप बैठा कर देखना कि सर आ रहा है या नहीं आ रहा आंसर, ठीक है। और दोस्तों नहीं आता आंसर तो फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारा आंसर नहीं आया। तो दोस्तों मैं और कोशिश करूँगा कुछ करने की जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये चित्र आपने बना ही लिया होगा, अब हम क्वेश्चनों की तरफ को अपने चलते हैं दोस्तों, ठीक है, और उनके जवाब देते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखेंगे आप, पहले क्वेश्चन का जवाब आप दो। चित्र दोस्तों आपने बना ही लिया है, नहीं बनाया तो वीडियो पीछे करके देखकर बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ बुझा है के बाएं को दूसरा कौन है, के बाएं को दूसरा कौन है दोस्तों। चित्र आपके पास है, आप देख सकते हो, ठीक है, के बाएं को दूसरा कौन है दोस्तों, ठीक है। चित्र में देखो जल्दी और मुझे बताओ के बाएं को दूसरा कौन है दोस्तों, बता सकते हो या नहीं बता सकते मुझको ये बताओ, के बाएं को दूसरा कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, के बाएं को दूसरा कौन है दोस्तों, आर है। के बाएं को दूसरा कौन है, आर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पी के बाएं बगल में कौन है दोस्तों, किसके बी के बाएं बगल में कौन है। तो दोस्तों बता सकते हो बी के बाएं बगल में कौन है, बी के बाएं बगल में कौन है दोस्तों। आपको डायरेक्टली दिख रहा है चित्र दोस्तों आपके पास है, आप देखकर बताओ जल्दी बी के बाएं बगल में कौन है दोस्तों। आपको सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी के बाएं बगल में कौन बैठा दोस्तों, डी बैठा है, ठीक है। बी के बाएं बगल में कौन है, डी है दोस्तों। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को दोस्तों। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, बी के दाएं को तीसरा कौन है, बी के दाएं को तीसरा कौन है। तो दोस्तों बी के दाएं को तीसरा कौन है, आप बता सकते हैं क्या, बी के दाएं को तीसरा कौन है दोस्तों, बताओ कौन है, टी है, नहीं है। आप अपने चित्र में देखो दोस्तों जो आपने कॉपी पर बनाया है, क्या के है, के भी नहीं है, पी है, पी भी नहीं है, डी है, डी भी नहीं है दोस्तों। कौन है तो वो आर है दोस्तों, ठीक है, आर ऑप्शन में दिया नहीं है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसमें से कोई नहीं दोस्तों, ई आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ई आंसर हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी के दाएं को तीसरा कौन है, बी के दाएं को तीसरा दोस्तों आर है, ठीक है, बी के दाएं को तीसरा आर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे आपने चार क्वेश्चन सोल्व कर दिए दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं मानता हूँ अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक मिनट का सारा, दो मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दो मिनट ले लेते, जो बहुत नॉर्मल स्टूडेंट है दो मिनट में उस चित्र को बना सकता था। दो मिनट तो दोस्तों बहुत होते हैं, ठीक है, दो मिनट में पांच चारों क्वेश्चन सोल्व हो सकते थे चित्र बनाकर। तो दोस्तों चार नंबर आपको दो मिनट में मिल रहे हैं तो बहुत ठीक ठाक लेवल है दोस्तों आपका, अच्छे से आप रिटर्न को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है, बी के संबंध में दोस्तों मतलब बी से देखना है, बी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है दोस्तों, ठीक है। आप बता सकते हो या नहीं, बी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है दोस्तों। अभी तो हमने पीछे सोल्व किया था बी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है दोस्तों, अभी हमने पीछे सोल्व किया है बिल्कुल यहीं देख सकते हैं, दाएं को तीसरा दोस्तों, ठीक है, दाएं को तीसरा। भी हमने ये क्वेश्चन सोल्व तो किया था, बी के दाएं को तीसरा कौन है, आर नहीं आया था दोस्तों, यहाँ से भी लगा सकते थे बी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है दोस्तों। तो बी के संबंध में आर का स्थान दाएं को तीसरा है, दाएं को तीसरा दोस्तों, ठीक है। आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए खूब ज़्यादा जितनी हो सके दोस्तों, और मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है, और अच्छे लेवल के जितने बन सकते हैं दोस्तों। अभी तो मैं इतने नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि अभी अपने पास इतना सेटअप नहीं है दोस्तों, जैसे ही हो जाएगा तो मैं दो तीन बुक मिक्स करने के बाद जब आपको क्वेश्चन कराया करूँगा, और आप पहले क्वेश्चन से चले करेंगे बिल्कुल और लास्ट तक जाया करेंगे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आ पाते, इसलिए मुझको वही क्वेश्चन लेने होते हैं जो स्क्रीन पर आ पाते हैं और अच्छे से जिनको समझा पाऊँ दोस्तों, ठीक है।
अगला अब क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तक चार क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, तो दोस्तों इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ भी स्पेस नहीं बच पाता है, वो तो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही SSC पूछता है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, छः मित्र MN, MN, POQ तथा R एक वृत्त में खड़े हैं। दोस्तों कौन छः मित्र हैं, कौन है MN, O, P, Q तथा R एक वृत्त में खड़े हैं। इसको पढ़ लिया आपने पूरा दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ दो ही चित्र बनाकर बता दो, मैं कहूँगा लो आपको एक ही चित्र बना के। दोस्तों SSC के जितने क्वेश्चन हैं एक चित्र से ही नॉर्मली सॉल्व हो जाते हैं, पर मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए दो चित्र बना देता हूँ, जिससे आप ये ना कहो सर हम तो ऐसे भी बैठा सकते थे इसलिए दोस्तों, ठीक है। आपको पता चित्र कैसे बनने वाला है, ठीक है। दोस्तों कितने लोग हैं, ये छः लोग हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है छः लोगों को हम किस तरीके से बैठाएंगे। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप कहोगे सर इनका मुख केंद्र की तरफ है या बाहर की तरफ है, हमें ये तो पता ही नहीं है। दोस्तों मैंने आपसे जब भी तो कहा है पहली वीडियो जरूर देखना, बेसिक क्लास, मैंने उसमें बता दिया था दोस्तों, या तो क्वेश्चन में बोलेगा केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं या बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। या ताश खेल रहे हैं दोस्तों, ऐसे बोल सकते हैं आपको ताश खेल रहे हैं चार मित्र, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, ठीक है। ये बोल सकता है डिनर कर रहे हैं दोस्तों, खाना खा रहे हैं, कुछ भी बोल सकता है दोस्तों। आपको पता है ताश खेलते हुए मुंह केंद्र की तरफ को होता है दोस्तों, डिनर करेंगे खाना खाएंगे तब भी मुंह केंद्र की तरफ को होता है दोस्तों, मीटिंग हो रही होगी तब भी दोस्तों केंद्र की तरफ को मुंह होगा, इतना तो आप नॉर्मली जानते हो दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा केंद्र की तरफ ना बाहर की तरफ, तो मैंने बताया था आपको मुंह किस तरह की तरफ मानना है, केंद्र की तरफ मानना दोस्तों, ठीक है। इन सभी का मुंह किधर है, केंद्र की तरफ इन सभी का मुंह है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी, होनी भी नहीं चाहिए। आप पढ़ेंगे यहाँ पे NOP के बीच में है दोस्तों, मान लिया N यहाँ पर है, OP के बीच में है दोस्तों, ठीक है। OP के बीच में है, आप कहोगे सर N यहाँ पर है, P इधर भी तो हो सकता है और O यहाँ भी हो सकता है, मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल, मैंने तो मना नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ो, MO/Q के बीच में है, MO/Q के बीच में है दोस्तों, तो आप बता सकते हो M कहाँ होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, M यहाँ पर है, वो तो यहाँ पर था ही दोस्तों, Q यहाँ पर हो जाएगा, MO/Q के बीच में हो गया। आप कहोगे सर यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ कोई बड़ी बात है क्या, M यहाँ आ जाएगा, M दोस्तों यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों Q कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, MO/Q के बीच में है दोस्तों। यहाँ तक लैंग्वेज कंप्लीट हो गई, अब आगे बढ़ेंगे। R और P एक साथ खड़े हैं, R और P एक साथ खड़े हैं, मतलब R के पास P है दोस्तों, ठीक है। R और P एक साथ खड़े हैं, तो दोस्तों R यहाँ पर आ गया दोस्तों, R यहाँ पर आ गया क्योंकि ये स्पेस खाली था दोस्तों। दोनों चित्र सेटिस्फाइड करे या नहीं मुझको ये बताओ, कहीं आपको ऐसा लगा कि हमने चित्र गलत बनाया, लगा कहीं कि माइंड में आपके टच हुआ कि हमने गलत बनाया, नहीं हुआ ना दोस्तों, ठीक है। दोनों चित्र में से कोई सा भी आप बना सकते थे, और दोस्तों चित्र और भी बन सकते हैं, आप कहीं भी बैठा सकते हो, आपकी मर्जी कहीं से भी शुरू आप कर सकते हो बैठाना, बट मैंने आपको बता दिया दोस्तों चित्र आपका करेक्ट बनना चाहिए। जो उसने बोला बिल्कुल बाएं बोला, बाएं उतने ही स्थान पर होना चाहिए जो क्वेश्चन में बोला गया है, बस और भी कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब लाइव अगर पढ़ाऊँगा तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों कितने ईजी क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग बिल्कुल पानी होती है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल आसान होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं क्या पूछा है, MR के बीच में कौन खड़ा है, MR के बीच में दोस्तों, MR के बीच में कौन खड़ा है दोस्तों, क्यू खड़ा है। यहाँ से देखो कि MR के बीच में कौन खड़ा है दोस्तों, आप कहो सर MR के बीच में क्यू खड़ा है, कौन खड़ा है, क्यू खड़ा है दोस्तों। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर हम इधर की तरफ को चलते हैं, हम इसको छोड़ देंगे, हम इधर की तरफ से आते हैं, हम इसको छोड़ देंगे दोस्तों, एन भी तो हो सकता है सर MR के बीच में। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत, कभी ये वाला दिमाग मत लगा देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अकेला ही होना चाहिए वो बीच में पूछे तो दोस्तों, ठीक है। कंडीशन ऐसी बनेगी तो अकेले वाला ही ठीक होगा, ठीक है। MR के बीच में कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपका एन ठीक है कहने का मतलब दोस्तों, पर ये आंसर गलत होगा। हमेशा याद रखना जो एक व्यक्ति होगा वही हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, वही हमारा आंसर माना जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी डाउट बनता है दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, छह लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं, सब्बू पप्पू के बाईं ओर है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन हमको ऐसा मिल जाता है बिल्कुल जिसमें कुछ करना नहीं होता, और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं उसमें पूरा दिमाग लगा देते हैं और दो तीन मिनट खराब करके जब आंसर निकालते हैं, जिसका सेकेंड हम दो सेकेंड में निकाल सकते थे, जिसका आंसर हम दो सेकेंड में निकाल सकते थे। आपने यहाँ पर देखा सब्बू पप्पू के बाईं ओर है दोस्तों। ठीक है, सब्बू पप्पू के बाईं ओर है। आपने देखा सर पूछा गया था, जब हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों, इसमें पूछा पप्पू के बाईं ओर कौन है, पप्पू के बाईं ओर कौन है, और यहाँ आपने लैंग्वेज क्या पढ़ी थी, पप्पू के बाईं ओर कौन है सब्बू, और पूछा गया पप्पू के बाईं ओर कौन है, लो बताओ सर। इतना आसान क्वेश्चन हमसे पूछ लिया तो हम तो दो सेकेंड भी नहीं लेंगे इस क्वेश्चन करने में। कौन हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, सब्बू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सब्बू। कोई दिक्कत थी बताओ, पप्पू के बाईं ओर कौन है, सब्बू, जो कि उसने क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया था दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को भी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुझे ये देखना है कि आप कितना सीखे। अगर आपने तीनों वीडियो देखी है तो मुझे पूरा विश्वास है आप इसका आंसर जरूर दोगे दोस्तों। ठीक है, मैंने इसलिए इसका आंसर नहीं रखे हैं, ऑप्शन आप ऑप्शन मैं अपनी तरफ से बना सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, पर आंसर इसका आपको देना जरूर है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जब भी मुझको लगेगा कि आप कुछ सीख पाए हो, वरना दोस्तों मुझे लगेगा कि मेरी सारी मेहनत बेकार है दोस्तों। ठीक है, इसलिए पढ़ाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए दोस्तों आपको इसका आंसर जरूर देना होगा। कितनी दोस्तों आपने प्रैक्टिस की है, अगर आपने दोनों वीडियो मेरी दोनों वीडियो देखी हैं दोस्तों पहली, तो आप इसका आंसर जरूर दोगे दोस्तों। ठीक है, आपको अपनी पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी भी कैसी चल रही है, मुझसे थोड़ा बहुत कुछ आता है या नहीं आता दोस्तों, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में एक दो क्वेश्चन रखा करूँगा लास्ट में दोस्तों। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको सर ऑप्शन बता दो तो मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ, ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी एस, ऑप्शन ई टी। आपको सर आपने तो सभी ऑप्शन दे दिए, तो मैं कहता हूँ हाँ सभी ऑप्शन है, आप इनमें से बताना है आंसर कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, आर के बाईं से दूसरा कौन है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल न्यू वीडियो के साथ।